ये चिंटू, माँ सुनेगी तो खुश हो जाएगी। बिल्कुल माँ, माँ बैल का दूध पीकर आए क्या? बतली का आए। ये कौन है? माँ बाला, ये मीनाक्षी। अरे इसने मेरी आवाज सुन ली तो मेरे को मार डालेगी। आज तो दया तू। हाय मैम। हेलो, अलविंद की मॉम को बुला दो। आप तो कहले अलविंद की माँ को अंदर से बुला दो। बेटा मेले को अलविंद बनाया। अलविंद की माँ? अरविंद तुम हो? हाँ मैं हूँ। रेडियो पर तो बड़ा मैना की तरह चहक रहा था, अब जब तेरे सामने खड़ी हूँ तो जबान पे लकवा मार गया। चल दे, गाली दे, बुरा भला बोलेगा ना तो बोल। ए मेरी तरफ देख के बोल, उसे क्यों देख रहा है? अरे मैं तो वही आके तेरी इज्जत की भुर्जी बनाने वाली थी, लेकिन तेरी माँ का मुँह देख के मैंने तुझे छोड़ दिया। अले आई, मैं अलविंद के बचपन का दोस्त, मुझे नौकरी मिल गई, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया था, पर मैडम अलविंद की बोली बातों से पले था ने। अलविंद इसको थमालना माँ, मुँह मीठा कर लाता हूँ। अपने दोस्त से इज्जत की ABCD सीख, तेरी माँ से आशीर्वाद लेने आया है, और तुझे देख के तो लगता है कि मुर्गी की खटर में फेंक दूँ। भैंस की खाल में छुपे हुए गीदड़ को सीख अपने दोस्त से। इसकी मक्काली का एक और सैंपल दूँ? देखो अभी ये मेरी नकल करेगा, बोल के दिखा, बोल बोल। मम्मी दी बात ऐसी है, देखा इसकी हरकतों से लगता है ये मेरी पैदाइश नहीं है। तू जा जा बेटा जा जा, इतको एतमत होना तताके तोड़ना। अरे अरविंद, क्या एकदम बढ़िया कपड़े पहने हैं तूने तो, बीमा बीमा बेचने लगा है क्या? अरे अरविंद, ये मिठाई का डब्बा, इसकी नौकरी लग गई क्या? इंटरव्यू है, ऑल द बेस्ट। तो तू मरवे नहीं, हाथों में थुलमा लगा के भी नहीं दिखता। चल फुटले है? फुटले मैंने कहा। थैंक यू। अरे सुन, तेरे से इतनी गंदी तरह से क्यों बात कर रही है? रेडियो पे गंदी मिमिक्री तो नहीं करता तू? मैंने तो पहले ही बोला था ना, ये मेरी पैदाइश नहीं है करके। ये लो, आपको थर्ड फ्लोर पे जाके स्टेला से मिलना होगा। स्टेला? यस। स्टेला नाम किसको मस्त चिटकता है ना, इसको नहीं। हाँ रुको, मैं चेक करती हूँ, इसका हो सकता है। स्टेला? स्टेला? वो अंदर मसाज चेयर पर है। कब मसाज? हम्म, मसाज का सारा करते हैं। स्टेला मैडम, सर क्या आप? मैं ही स्टेला ब्रूस। सच में आप ही? तू क्या सोच के आया था? स्टेला लड़कियों का नाम होता है ना। जब वो पैंट शर्ट पहन सकती है तो मैं उनका नाम नहीं रख सकता? काम की बात कर। मेरा नाम अरविंद है। तेरा नाम क्या रखना, वो मेरे ऊपर है। सर आज मेरा पहला दिन है, आज क्या सीखेंगे? जो तूने पहले नहीं सीखा होगा। तो शुरू कीजिए ना सर। शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। लेफ्ट लेफ्ट दबा दबा दबा। हां इधर ही। सर 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 सर, ये टपरी में काय को? यहां से ऑर्डर मिलेगा? नहीं नहीं, ऑर्डर मिलेगा नहीं, देना पड़ेगा। अरे नरम, दो कड़क चाय मार। अरे सर चाय छोड़ो और चलो। किस बात की जल्दी है? सर हम ड्यूटी पर है, काम पहले खत्म करना चाहिए। अरे क्रिकेटर्स से लेके फिल्म स्टार्स तक हमारे प्रोडक्ट्स टीवी पे बेच रहे हैं, हम लोग क्यों मेहनत करें? अरे सर, अरे तू मेरा जूनियर है सर। यस सर बोलना सीख। मुझे क्रिसमस ऑर्डर्स के डिटेल्स। आप टेंशन ना लो, मैं संभाल लूंगा ना। सर आपसे एक पर्सनल बात करने का था। सर प्लीज ये मत समझना कि मैं अपने सीनियर की चुगली कर रहा हूँ, पर मिस्टर स्टेला मार्केटिंग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब तक मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। ये देखो सब सामान बराबर है। टारगेट पूरा करो वरना नौकरी गई समझो। सर कोशिश कर रहा है। ये क्या है स्टेला, तुम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हो? तुम जॉब में मसाज ले रहे हो, काम में मन नहीं लगता तो रिजिग्नेशन दो और यहाँ से चले जाओ। सर मेरे को तो डर लग रहा है कि जो कुछ मुझे आता कहीं वो भी भूल ना जाऊं। सब लोग आपको गुरु घंटाल मानते हैं। सर मैं आपसे सीख कर आपसे भी आगे निकलना चाहता हूँ। सर मैं CEO बनना चाहता हूँ। उसके लिए ना मुझ पे और ना किसी और पर डिपेंड रहो, खुद पर भरोसा रखो। तरक्की का क्या फॉर्मूला है? स्मार्ट वर्क करना सीखो। हमेशा क्लाइंट के सामने साहब ले लो की रट लगाना हार्ड वर्क है। क्लाइंट को प्रोडक्ट के बारे में समझाना और ये बताना कि इससे आपका फायदा होगा स्मार्ट वर्क है। मार्केटिंग में सेल से ज्यादा कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट है। सर मैं आधी बात समझ रहा हूँ, पर आधी बात समझ के बाहर है। मैं समझाता हूँ। चारों तरफ नजर दौड़ाओ, क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? क्या बात कर रहे सर, बच्चे को भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि ये सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट ही सुपर मार्केटिंग है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जब भी आप सुपरमार्केट में एंटर करते हो तो आपकी नजर अट्रैक्टिव चीज पर पड़ती है, जैसे कि वो स्पॉट बहुत ही अट्रैक्टिव है, वहाँ हमारे सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं। इसके बाद आती है स्मेल यानी खुशबू की बारी। वहाँ देखो सारे खुशबू वाले प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जिससे कस्टमर्स का दिमाग फ्रेश होता है और उसे खरीदने का मन करता है। एंटर करते ही कस्टमर को बास्केट क्यों देते हैं पता है? ताकि हाथ में न पकड़े बास्केट में रखे।
अगर कोई सिर्फ एक चीज खरीदने के इरादे से आया हो तो खाली बास्केट से उसे शर्म आएगी और वो और चीजें खरीदेगा। अच्छा तुम्हें पता है नीचे की तरफ बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मफिन्स ये सारी चीजें क्यों रखी जाती हैं? ताकि बच्चों के हाथ आसानी से पहुंच जाएं। ये लो बेटा। जरूरत की चीजें जैसे आटा, चावल, दाल, गेहूं, वो सब अंदर की तरफ रखा होता है, लेकिन कस्टमर के यहाँ से वहां तक पहुँचने के पहले उसका मन ललचाएगा और वो गैर जरूरी चीजों को भी खरीद लेगा। एक और गौर करने वाली बात, तुम्हें विंडो दिखाई दे रहा है? नहीं सर। तुम्हें घड़ी नजर आ रही है? नहीं ना, ताकि कस्टमर को कीमती वक्त गुजरने का एहसास ही ना हो। इतना ही नहीं, हर सुपरमार्केट में एंट्री एक तरफ से होगी तो एग्जिट दूसरी तरफ से, ताकि जाते जाते कस्टमर फालतू चीजों को भी खरीद ले। एक और बात है, कुछ ललचाने वाली चीजें काउंटर के पास भी रखी होंगी ताकि बच्चे जिद करें और उनके माँ बाप खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। वहां देखो एक टीवी भी लगा है, उस पर हमारे कॉम्पिटिटर न्यू फेडोरा के एड्स चल रहे हैं। ध्यान से देखो, इसमें प्रोडक्ट्स के नाम नहीं आ रहे हैं, ये सब कस्टमर को उकसाने के लिए। हमारे ब्रांड मैनेजर भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए। मार्केटिंग एक पजल है। मार्केटिंग शतरंज की चाल की तरह है। अभी तो सिर्फ 10% बताया। मार्केटिंग इज एवरीवेयर, हमारे जीवन में भी, जन्म से लेकर मरने तक एक एक बात में, यहाँ तक कि बच्चे का खाना, जूते, कपड़े, स्कूल से लेकर उसकी शादी तक, हर कदम पे मार्केटिंग की जरूरत होती है। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन मार्केटिंग। तो अब से तुम हर कदम पे मार्केटिंग करो। सर मैं मार्केटिंग की दुनिया को हिला के रख दूंगा। मेरे को आदि ने समझाया कि काम को बोझा समझ के नहीं हलवा समझ के करने का। वो ट्रक खाली करने का ज्यादा पैसे मांग रहा है, मैंने बोला कम कर तो जा रहा है। मैं फ्री में कर देता हूँ ना सर। इसने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को आगे रख दिया और दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट को छुपा दिया। अगर उसके बताए रास्ते पर आंख बंद करके मेहनत करता रहा ना तो बहुत ऊपर जाऊंगा, और तुम लोग भी जा सकते हो। जिंदगी पलटी खा जाएगी। आओ इधर आओ बच्चे लोग। नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो ऑर्डर दे दूंगा। सर पिछली बार भी यही बोला था। मेरा विश्वास करो, अगली बार मिलोगे तो पक्का दे दूंगा। या आई गॉट इट। ओके। हाँ आपने बोला था ना दोबारा मिलोगे तो ऑर्डर दूंगा। ए क्या है तुम्हारा पीछा कर रहा है, पागल है क्या? शंकर कुछ सीखो इससे, बहुत ही स्मार्ट आदमी है ये। तुम्हारा ऑर्डर पक्का, मेरे ऑफिस में आ जाओ। थैंक यू सर। ये अरविंद है, सैफ्रॉन कंपनी में काम करता है। और ये मेरे 5 तत्व हैं। भूमि, रियल एस्टेट, वायु, वैक्यूम क्लीनर, ये आकाश, टीवी वाला, ये अग्नि, गैस चूल्हा, और ये नीर, वाटर प्यूरिफायर। इनका तो पता चल गया, पर तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, इन लोग के लिए काम ढूंढता हूँ। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। अगर पानी का स्टॉक कल तक नहीं पहुँचा तो वेंडर चेंज कर दूंगा। आरओ वाटर से आपकी परेशानी दूर होगी। क्या बात कर रहे हो? कहीं से भी कोई काम की बात पता चले तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने का। कोई और दोस्त हो जिसके पास अलग प्रोडक्ट हो तो उसे भी ग्रुप में शामिल कर लो जल्द से जल्द। हाय हाय, अरे अरविंद की माँ, तूने एक बेटा क्यों पैदा किया रे? आई अच्छा करती ना, तेरे से बोल रही है लगता है। क्या हुआ अरविंद? सर वो फेडोरा का जो एड है ना, उसको शायद मैं समझ गया। क्या समझे? देखो सर, ये सूरज को गाय के जैसे सींग है और ये ब्लू कलर के गाय के थन है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई दूध का प्रोडक्ट होएगा। पर ये सूरज का क्या मतलब है ये मेरे को नहीं समझा। मैं तुम्हें समझाता हूँ। सूरज की किरणों में विटामिन डी होता है, तो उनका ये कहना है कि उनके मिल्क में ज्यादा रिच विटामिन्स होते हैं। आपने तो पहले ही बाजी मार ली, इतने अच्छे से तो एड बनाने वाला भी नहीं समझा पाता। पूरा महीना कितना खर्चा हुआ उसका हिसाब लिखिए, मैं देख ले। ए आई कुछ भी मत बोल, मैं क्या तेरे से पैसे का हिसाब मांगूंगा? तूने कभी अपनी दी हुई कुर्बानियों का हिसाब रखा है क्या? मैं औलाद है, जल्लाद नहीं जो पैसों के लिए माँ पेशक करेगा। लेकिन हिसाब में वो 3,000 रुपए। हे आई, 3,000 बचे हो या 30,000, सब तेरे ही चे, आयश कर। अरे घोल की बचा नहीं है तेरे को 3,000 मुझको और देने के। 3,000 का शॉर्टेज हो रहा। पैसा खत्म, हिसाब दिखा मेरे को। मैं किधर उड़ा डाली सारा पैसा? मेरे को पता था तू मेरे ऊपर शक करेगा, इसके लिए पूरा हिसाब लिख के रखी हूँ मैं। पहली पगार हुई नहीं कि माँ से हिसाब ले रहा है। तेरे बाप ने कभी हिसाब नहीं लिया। मेरा रेडियो बंद हो गया, तू भी अपना बंद कर। मेरी शादी होने तक मेरे पगार पे जितना खर्चा करना करती जा, एक बार भी कंजूसी मत करना। पर आई पक्का काम पड़ेगा। अरे मुँह से निकल गया। मैं आई कम इन सर।
सर उस एड के बारे में मैंने पता लगा लिया है, अगर आप कहें तो मैं एमडी से जाके मिल लूं। मजाक कर रहे हो क्या? कंपनी के एमडी को मिलने में मैंने 10 जोड़ी चप्पल घस डाली और तुमको ऐसे ही मिलना है? ये सब छोड़ो, वो एड तैयार हुआ कि नहीं बताओ मुझे। सर विटामिन डी का सोर्स उनके प्रोडक्ट में होगा। सर अस्पंड लोग इसे खरीदेंगे ना? यस सर। बहुत सारू इसको रख के जाओ, इसका टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा ना, फिर एमडी साहब को बताना पड़ेगा। फॉर्मूला सिंपल है सर, कैल्सी कॉलीफ्लावर, रिसर्च कर चुका हूं। कैल्सी कॉलीफ्लावर? हाँ हाँ सर, यही सही टाइम है। अगर आपने उन्हें जाके बता दिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको जगह मिल जाएगी। तेरे को मेरे अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले कीटाणु दिखाई देते हैं क्या? सर मेरा सपना है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने। माता जी की कृपा से। एमडी साहब के साथ मेरी खाखरा मीटिंग है, तुमने काम बहुत सरस किया है। सर फॉर्मूला भूलना मत, कैल्सी कॉलीफ्लावर भेजा में आवी गयो। सर जी गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन सर? कम इन नारायण, टेल मी। सर मैंने फेडोरा के नए एड का फॉर्मूला पता कर लिया है सर। रियली? बैठो बैठो। बात एम छे के ये मिल्क प्रोडक्ट है सर, ये लो। कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहे उसके लिए फॉर्मूला इंग्रेडिएंट के साथ लिखा है। गुड गुड। और वो है कैल्सी कॉलीफ्लावर। साचू कहूं साहब, ये इंग्रेडिएंट के बिना मिल्क प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ये तो मैं मानता हूं, ये एक मिल्क प्रोडक्ट है। अब प्लीज उसे बुलाओ जिसने तुम्हें बताया। गो कॉल हिम। समझियो नहीं। जाओ बुलाओ। सर आज है ब्रांड मैनेजर। चलो डिटेल्स बताओ। सर स्टडी के मुताबिक वो विटामिन एनरिच्ड मिल्क लॉन्च करने जा रहे हैं, उसी का कैंपेन है सर। न्यू फेडोरा इस आइडिया को मार्केट में ला रहा है, उनका मेन इंग्रेडिएंट है कॉली कैल्सिफेरॉल। फिर से बोलो। कॉली कैल्सिफेरॉल। बाणा तूने तो मुझे कैल्सी कॉलीफ्लावर बोला था ने? कॉलीफ्लावर? नहीं सर ऐसा नहीं कहा था। हमारा कान बहुत तेज है। आपने ठीक से सुना नहीं होगा सर, ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है ही नहीं। फॉर्मूला डिकोड करना तो दूर की बात है नारायण, इंग्रेडिएंट का नाम तक रिपीट नहीं कर सकते। कर सकता हूँ। जाओ बाद में आना। कैल्सी कॉली। ए भाई एनाथी संभाली नहीं रह जे, एक दिन तेरे को भी प्रोडक्ट के साथ बेच देगा। अपने बारे में कुछ बताओ, व्हाट्स योर एम्बिशन? योर चॉइस। क्या आपकी पोजीशन? इसमें गलत क्या है? आपने भी कभी इसकी ख्वाहिश की होगी, उसी तरह मेरी भी एक ख्वाहिश है सर। मैं सैफ्रन कंपनी को नंबर वन पे देखना चाहता हूँ और उसके लिए जो बन पड़े मैं वो करूंगा सर। कल टीवी में हम लोग अपना एड रिलीज करेंगे और हेडिंग होगी वन एंड ओनली विटामिन डी फ्रॉम सैफ्रन। फिर देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है। आई एम इम्प्रेस्ड, ये एड कल ही आ जाना चाहिए। श्योर सर। नाइस टाई।